और चिड़कू लड़कियां 2 दिन की ट्रिप में इतना सारा सामान ले जाती है, उसको मैं आज सही साबित करने वाली। मना कर करके इतना सारा ले लिया। Hey guys, good morning and welcome back to the new vlog. आई नो कि व्लॉग्स बहुत लेट चल रहे हैं मेरे, लेट नहीं एक्चुअली पिछले 2-3 महीनों से मैं एक्टिव ही नहीं हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि कुछ टेक्निकल एरर्स चल रहे थे पीछे से मेरे पीसी में, जिसकी वजह से मैं व्लॉग एडिट कर नहीं पा रही थी और ना ही फिर मैं अपलोड कर पा रही थी ऑब्वियसली। तो इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसके वीडियोज़ मेरे पास है, बट अब वो पोस्ट करने के लायक मुझे लगते नहीं हैं। और कुछ एक चीज़ें हैं जैसे कि वेडिंग सीज़न अभी निकला है, हम अभी राजस्थान से मुंबई आए हैं, तो वो वीडियोज़ मैं डेफिनेटली अपलोड करूँगी, लेकिन इन वीडियोज़ के बाद। तो या आने वाला है मेरा बर्थडे, न्यू ईयर, और फाइनली हम राजस्थान से मुंबई आ गए हैं। मेरी शॉपिंग हो गई है थोड़ी बहुत, और मैं पता नहीं बीच बीच में बोल रही हूँ, बट यार न्यू ईयर आने वाला है और उससे इम्पॉर्टेंट मेरा बर्थडे आ रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे जो कि मेरे लिए सरप्राइज ट्रिप। क्या हो रहा है यार? तो बट किसी थर्ड पर्सन ने उसका भांडा फोड़ कर दिया है और अनजाने में मुझे बता दिया। तो मुझे अब 99.99% ही बात पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ततो हमें निकलना है कल। सो या आज हम अभी जा रहे हैं थोड़ी बहुत कार्तिक की शॉपिंग करने और मेरे कुछ हेयर स्पा एंड ऑल चीज़ें कराने। उसके बाद हम करेंगे पैकिंग, मैं करूँगी। सो आप ये देखो, बहुत सारी चीज़ें मैंने फैला रखी है, मुझे नहीं पता मुझे क्या ले जाना है या क्या करना है, बट या मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इन 2-3 दिनों की ट्रिप में मैं क्या क्या लेके भर के जाने वाली। वो इंस्टाग्राम वाली रील आती है ना कि लड़कियाँ 2 दिन की ट्रिप में इतना सारा सामान ले जाती है, उसको मैं आज सही साबित करने वाली हूँ। तो अभी पहले रेडी होके निकलते हैं। सेकेंड शॉप, भैया दिख रहे हो, सही कह रही हो। अभी जो मना कर करके इतना सारा ले लिया। ये ओके गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ स्पा करा के घर, लेकिन इस वक्त मेरे थोबड़े को देख के कोई नहीं बोल सकता कि मैं हेयर स्पा लेके या इतनी फ्रेश फील करके आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आते इतने कामों में लगी कि मैं बहुत ही थक गई हूँ और ऐसे चिपकू से दिख रही हूँ, फेस पे भी पूरा ऑरेंज जमा हुआ है, लेकिन उसकी बाद में करेंगे। तो अब मैं जा रही हूँ पैकिंग करने। एक्चुअली कार्तिक की पैकिंग हो गई है, एक छोटा सा बैग और जैकेट। मैं आपको बैग कैमरा करके दिखाऊंगी, तभी आपको समझ में आएगा कि उसके और मेरे कपड़ों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये रहे उसके कपड़े। एक्चुअली वो शूज़ पीछे पड़े, वो तो वो पहन लेगा और वो इतना अच्छा है कि उसी शूज़ में चला लेगा, मेरे हिसाब से वो दूसरे नहीं लेगा। ऊपर जो जैकेट पड़ा है वो भी उसके पहनने का, और उस बैग में उसका सामान है, मतलब कितना क्यूट है ना, वो इतना कम सामान करता है। अब मैं अपना सामान दिखा दूँ आपको। ओके, तो ये जो ब्लू झोला है ना, वो मेरे ले जाने का सामान है, और उसमें जो है ना वो मेरे पहनने का सामान है कल, तो वो नहीं जाएगा, लेकिन वो इस बैग में फिट आना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। ओके, तो मेन पॉइंट ये है कि मेरे जो मेन कपड़े हैं ना, वो सिर्फ इतने ही हैं,
और बाकी का ये सारा तामझाम मैंने वो सारा एक्स्ट्रा है। सही है, मैंने दो नाइट सूट लिए हैं और शूज़ हैं ये वाले, फ्लैट्स हैं, इसी से मेरा बैग भर जाने वाला है और एक आध जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़ा है, बट ये जो है वही मेन है। तो आप सोचो अगर इतना मेन हो सकता है तो फिर ये सब की वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बढ़िया, लेट्स गो बैक करते हैं फटाफट। ओके, तो मेकअप के नाम पे मैं सिर्फ इतना ले रही हूँ, ये भी है स्किन केयर और एसेंशियल चीज़ें लाइक बॉडी लोशन एंड बाकी की सारी चीज़ें जो भी होती है, तो इतना ही पैकेट है। और ये वाला पैकेट एसेसरीज का है, इतनी सारी चाहिए नहीं बट फिर भी मैं ले रही हूँ, पता नहीं क्यों ले रही हूँ बट ले रही हूँ, क्योंकि वहाँ जाइए मुझे ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ये ले आती तो अच्छा होता। तो मेरी पैकिंग के बाद आती है इसकी बारी। यार ये है तो मैजिकल चीज़ा। हाँ गाइस, तो अगर आपको नहीं पता हो तो ये कार्तिक ने एक नई रिसर्च करके एक चीज़ मंगवाई है अमेज़न से, जो कि शूज़ है एकदम चमका देती है। आप देखो ऐसे ये चमक गया ये शूज़, मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको इसकी तारीफ की थी वो सक्सेस जा रही है। ये है कि शूज़ में तीनों चारों दिन चला लेगा, दूसरा नहीं लेगा। पता है ऐसे मैं पीठ पीछे तारीफ कर देती हूँ। और एक ही चिड़कू ले रहा हूँ, 3 घंटे बाद उठना है भाई। तो मैंने बोला ही नहीं था, मैंने इसको जस्ट ये काम दिया था कि उसने कल पहनने के कपड़े इस बैग में डाल दिए थे तो वो वहाँ से निकल जाए, तो बढ़िया है। ऐसे अभी अभी जस्ट हमने थोड़ा ऐसे मिड नाइट स्नैक्स लिए हैं तो मुझे लगा तब तक थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अभी ये करने बैठा है वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम आया है, वो तो गलत है ना यार। हाँ तो फिर इसमें चिढ़ने की कहाँ ज़रूरत आ रही है, ये इसमें मेरी क्या गलती है। कड़ी से कड़ी मिली है ना। सही बात है, तो मैंने इसको बोला था कि भूख मुझे लगी है तो तुम सो जाओ, मैं है ना मेरे खा लूँगी मुझे जो खाना है। वो खुद ने वो कुछ अलग सा मैं ही लाई थी वो खाया है, अच्छा है ऐसे करके करके। खैर बाय, गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। और चिड़कू बाय बोल दो चिड़कू।